ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर के ऊपर है, जो एडीएक्स इंडिकेटर है उसे सही समझने का तरीका और इसमें से अच्छे ट्रेड कैसे निकाल। तो चलिए जानते हैं पूरा इस वीडियो में एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैंने क्या है कि एक सीरीज बनाने का सोचा है, पहले मैं एक इंडिकेटर पे सीरीज बनाऊँ, बाद में स्ट्रेटेजी के ऊपर सीरीज बनाऊँ, बाद में प्राइस एक्शन भी एड करेंगे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी एंड प्राइस एक्शन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और वीडियो इसके ऊपर लाएंगे। तो हमारी सीरीज में पहला इंडिकेटर आता है एडीएक्स। तो एडीएक्स पहले तो है क्या, एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये इसका मतलब है एडीएक्स का। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है प्लस डीआई, एक आता है माइनस डीआई। जो प्लस डीआई है उसको पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर बोलते हैं, जो माइनस डीआई है उसको नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स बोलते हैं। और जो ये इंडिकेटर वो है लैगिंग इंडिकेटर। अब कोई भी इंडिकेटर यूज करो तो उसको पहले देखना पड़ेगा वो लैगिंग इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी क्या है कि जो एडीएक्स के लेवल होते हैं उस लेवल के ऊपर हम क्या है कि एक ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रेंड में है ये। जो पहला पॉइंट उसे हमें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में ये है, अगर एडीएक्स 20 के बिलो रहा तो नो ट्रेंड जोन में आएगा। जो भी ट्रेंड वो हम बाद में चार्ट पे देखेंगे, किसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, किसको बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, कौन सा 20 के नीचे तो बुलिश या बियरिश होता, तो देखते हैं। 20 के नीचे है तो नो ट्रेंड, मतलब उसमें बुलिश ट्रेंड भी नहीं होगा, बियरिश ट्रेंड भी नहीं होगा। बाद में आता है 25 के अबव, अगर जो एडीएक्स है वो 25 के अबव रहा तो वो ट्रेंड में है। जो मैंने आगे बोल दिया कौन से ट्रेंड में है वो हमें चार्ट पे पता चलेगा। बुलिश में भी 25 के अबव होता है, बियरिश में भी 25 के अबव होता है, तो वो हमें चार्ट पे जाके पता चलेगा। बाद में आता है अगर एडीएक्स 35 से लेकर 45 के बीच में है तो वो एक एक्सट्रीम ट्रेंड में है। लास्ट में आता है अगर एडीएक्स 45 के अबव है तब एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस है। वो क्या होता है वो हम क्या है कि चार्ट पे देखेंगे। और मैं आगे बोल चुका हूँ कि ये एक सीरीज चलेगी, तो आपको अगर सभी इंडिकेटर के बारे में प्रॉपरली जानना है कैसे वो वर्क करता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और इंडिकेटर के बारे में बताएंगे और बाद में जब इंडिकेटर फिनिश हो जाए तब हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपको क्या है कि एक बेसिक नॉलेज मिल सके मार्केट के बारे में। अभी जो ये चार्ट है ये क्या है कि बैंक निफ्टी का है, लेकिन आप इसे किसी भी चार्ट में यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या है कि एडीएक्स की मेंटालिटी समझ लेते हैं, एडीएक्स कैसे वर्क करता है वो समझ लेते हैं, बाद में उसमें एडिशनली डालेंगे कैसे इसे अच्छे वर्क किया जाए वो सब। तो जो ये एडीएक्स है आप देखोगे कभी कभी ये चार्ट के साथ चलता है, कभी कभी ये चार्ट के साथ नहीं चलता। तो इसका मेंटालिटी क्या है, ये कैसे वर्क करता है वो देख लेते। आप देख रहे हो इधर से एडीएक्स अप जा रहा है तो आपका चार्ट भी अप जा रहा है, तो ये एक हो गए एक साइकिल, मतलब चार्ट के साथ अप जा रहा है। अब ये नीचे आ रहा है, मतलब क्या हुआ यहाँ तक नीचे आया, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका पीछे का ट्रेंड था मतलब अप ट्रेंड वो अभी इधर वीक हो रहा है, मतलब ये वीक हो गया। बाद में चलो इधर से थोड़ा अपसाइड गया, मतलब क्या था पीछे का ट्रेंड वीक हो चुका है, मतलब जो अपना पीछे का अप ट्रेंड था वो वीक हो चुका है। तो जो एडीएक्स इधर से अप जा रहा है ये क्या है कि बियरिश ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग बता रहा है। बाद में ये फिर से नीचे जा रहा है, मतलब क्या हुआ जो पीछे का ट्रेंड था मतलब क्या कि बियरिश, तो वो बियरिश ट्रेंड इधर क्या हो रहा है वीक हो रहा है, तो ये बियरिश ट्रेंड वीक हो रहा है। बाद में क्या है कि ये बियरिश ट्रेंड वीक हो गया, बाद में जब ये अप जाएगा तो ये कौन से ट्रेंड में आ जाएगा, फिर से बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो फिर से देखो ये इधर से ऊपर जा रहा है तो मतलब अपना चार्ट भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये फिर से बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। फिर से एडीएक्स नीचे आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि पिछले का जो बुलिश ट्रेंड था वो अभी वीक हो रहा है। इधर देखो ये वीक हो रहा है मतलब नीचे आया। देखो आप इधर चार्ट अपना अप जा रहा है, होना चाहिए क्या कि ये इधर से और नीचे जाए, लेकिन आपका चार्ट अप जा रहा है, आपका फिर से ये अप जा रहा है, ये क्या हो गया कि इसके उल्टा हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रेंड है कौन सा नहीं है, तो वो देखने के लिए हम एडिशनली देखते हैं क्या देखते हैं वो सब देखते हैं अभी। तो आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें फिर से सेटिंग में जाके इधर शेडिंग ऐड कर देनी है, तो आपको क्या है कि आइडिया आएगा कौन सा अप ट्रेंड है कौन सा बियरिश ट्रेंड है वो सब। तो आप देखोगे देखो ये अप जा रहा था मतलब ये बुलिश ट्रेंड था, ये नीचे आ रहा था शेडिंग ग्रीन थी मतलब ये उसका ट्रेंड वीक हो रहा है, समझ गए। फिर से इधर से देखो अप जा रहा है मतलब देखो शेडिंग कौन सी है रेड कलर के, मतलब ये कौन सा ट्रेंड में है बियरिश ट्रेंड में। फिर से देखो ये नीचे जा रहा है मतलब ये फिर से नीचे जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये जो पीछे का ट्रेंड था वो अभी क्या कर रहा है कि उसको वीक हो रहा है। अभी ये इधर से अप जा रहा है मतलब क्या फिर से ये क्या है कि बुलिश ट्रेंड में,
नीचे आ रहा है, शेडिंग कौन सी है ग्रीन कलर की, मतलब ये क्या है कि पीछे का ट्रेंड वीक हो रहा है, मतलब ये ग्रीन ट्रेंड वीक हो रहा है। अब ये नीचे है, फिर से अप जा रहा है, लेकिन शेडिंग कौन सी है, शेडिंग है ग्रीन कलर की, मतलब क्या है कि ये बियरिश ट्रेंड में नहीं आई है, ये बुलिश ट्रेंड में ही है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरे का पूरा एक साथ में है, क्योंकि ये इधर वीक तो हुआ था लेकिन फिर से इधर से बुल ट्रेंड आ गया। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, चार्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बाद में कुछ पता चलेगा। तो ये था इसकी साइकोलॉजी। अभी जो हमने लेवल आगे डिस्कस किए थे, वो लेवल मैंने क्या है कि एडीएक्स पे लगा दिए। देखो ये 20 का लेवल लगा दिया, 25 का लेवल लगा दिया, 35 का लेवल लगा दिया और 45 का लेवल लगा दिया। अभी देखते हैं इसमें वर्क कैसे करना है। देखो पहली बात, आपको कोई ट्रेंड फाइंड करना है, अगर आपको ट्रेंड फाइंड करना नहीं पता चल रहा तो आप शेडिंग लगा दो। आप शेडिंग लगाने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि ये कौन से ट्रेंड में है। देखो जो भी शेडिंग दिख रही है आपको, उस शेडिंग में अगर क्या है कि अप ट्रेंड है तो आपको एक आइडिया आएगा ये अप ट्रेंड में है। अगर शेडिंग में वो डाउन ट्रेंड में है तो वो पता चलेगा जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। बाद में जो शेडिंग में अप ट्रेंड होगा वो आपको पता चलेगा। तो देखो इधर बियरिश था, इधर देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, बाद में देखो ये नीचे आ रहा है। तो ये देखो अपना ग्राफ क्या है कि एक या तो अप ट्रेंड में होगा या तो स्टेबल होगा। बाद में जब भी ये अपने क्या है कि 20 लेवल के अबव जाएगा तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अपना ग्राफ क्या है कि अबव जाएगा। देखो ये 45 के पास पहुंच गया, बाद में ये नीचे आ रहा है, बाद में आपको नीचे आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता कि नीचे आने के हम सेल करते। तो सेल नहीं करना, सेल हमें ओनली जब ये 20 के अबव जाए तब हमें बाय या सेल करना है। देखो ये एक आवर्स का चार्ट है, आप किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, वन डे से लेके 5 मिनट तक। लेकिन आपको देखना पड़ेगा आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करें और उतना ही आपका प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 1 घंटे पे एंट्री ली और 1 डे का प्रॉफिट या लॉस देख रहे हो। ओके, हम देखते हैं अभी हमने कौन कौन से क्या है कि ट्रेड सही थे हमारे, कौन कौन से गलत थे, वो सब हमें वर्क कैसे करना है वो सब। तो आपने देखा होगा इधर से अप गया, शेडिंग चेंज हुई, अपसाइड जा रहा है। तो ये जो हमारा था, इधर से हमने क्या है कि एक बाय किया तो सही था, इधर से हम सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग होगा आपका, अगर आप क्या है कि प्रोफेशनल हो तो आप कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग है तो आप क्या है कि पहले वॉच करो सही से, अगर आपको लगे तब करो कुछ। आपको एक आइडिया आना चाहिए कि आप जो करें वो सही है या नहीं। तो इधर से ये क्या कि जब ये नीचे आ रहा था, नो डाउट एक अच्छा मूव मिला है आपको, लेकिन क्या है कि अगर आपका एडीएक्स स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करो तो आपका एडीएक्स जब अप ट्रेंड में हो तभी हमारे सिग्नल होते हैं, वो क्या है कि प्रॉपर सिग्नल होते हैं। तो आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भले ये कितना भी गिरे लेकिन जब तक आपका एडीएक्स अप नहीं जाएगा तब तक आप इसमें सेल नहीं करोगे। तो इधर से आपका कुछ सेल होता और कब तक होता, जब तक एडीएक्स फिर से नीचे आना स्टार्ट ना कर दे। तो इधर से फिर से नीचे आया है, तो आपको देखना पड़ेगा आपका चार्ट भी ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आपका चार्ट अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो आप इधर से अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हो। बाद में आगे जाते फिर से ये डाउन ट्रेंड, एडीएक्स का जो बीच वाला साइन है वो क्या है कि देखो इधर ये सब कुछ आ रहा है लेकिन एडीएक्स डाउन जा रहा है। तो शेडिंग को नहीं देखेंगे, जब एडीएक्स 20 के अबव निकल जाए तब हमें देखना है। तो इधर से देख रहे हो तो आप एडीएक्स 20 के अबव निकला, आप इधर से बाय करोगे। चेंज कब करोगे अपना? जब एडीएक्स डाउन आना स्टार्ट हो और आपको जो चार्ट है वो भी डाउन आना स्टार्ट हो तब, क्योंकि ये बाय में है इसीलिए। बाद में ये नीचे आए, एंट्री नहीं लेंगे, इधर से अप जा रहा है, 20 के अबव जा रहा है, फिर से हम इधर से एंट्री लेंगे। शेडिंग ग्रीन है इसीलिए, अगर शेडिंग इधर रेड होती तो आपका चार्ट ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ बता देता। इन सिंपल आप एडीएक्स पे वर्क कैसे कर सकते हो? तो नॉर्मली बात है, जब आपका शेडिंग ग्रीन हो या रेड हो उसी डायरेक्शन में आपका जो एडीएक्स है अप ट्रेंड में जाएगा तभी आप बाय या सेल कर सकते हो। चार्ट को भी देखना है, चार्ट भी उस तरह मूवमेंट कर रहा हो तो अब आप करना है, और मोस्टली चार्ट उसी तरह मूवमेंट करेगा। तो आपको वही देखना है, आपकी शेडिंग पहले तो क्या होनी चाहिए, ग्रीन या रेड। दूसरी, उसी ट्रेंड में एडीएक्स अप जाना चाहिए, मतलब उसी शेडिंग में एडीएक्स अप जाएगा तभी आप करोगे। और दूसरी बात, लेवल को देखना है, जब 20 के नीचे हो तो नहीं लेना है। देखो आपके इधर देखोगे 20 के नीचे, देखो ये जो ये 20 के नीचे है आपको, तो इधर आपको कुछ नहीं करना, भले शेडिंग ग्रीन हो रेड हो हमें नहीं देखना है। जब ये 20 के अबव निकल जाए तब आप पोजीशन ले सकते हो। तो 20 के देखो नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये कंसोलिडेट करेगा। बाद में देखो जैसे ही अप गया एक मूवमेंट आया, बाद में आपकी पोजीशन कहाँ क्लोज होती, तो यहाँ कहीं आपकी पोजीशन क्लोज होती, क्योंकि एडीएक्स इधर से फिर से नेगेटिव आने लगा था और 45 के करीब पहुँच चुका था। तो हमारे इतना ही ट्रेंड कैचअप करना है, जो भी करो छोटा ट्रेंड कैचअप करो। और देखो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस जहाँ से आपके एंट्री ले रहे हो
वहां से थोड़ा पीछे देखो, जो लास्ट लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एक सडनली मूव है तो आपको अप्रोक्स परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि वन डे का टाइम फ्रेम होता है तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना पड़ता है, और वन आवर्स के चार्ट पे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना पड़ता है। तो हम कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इतना परसेंटेज किसी में भी यूज कर सकते हो। आपको चार्ट देखना पड़ेगा कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा सही रहेगा स्टॉप लॉस। बाद में देखो ये नीचे आया, बाद में हमारे इसके बाद हमारी एंट्री कब होती, इधर इधर देखो ये 20 के अबव निकला, आपका चार्ट भी ऊपर के साइड मूवमेंट दे रहा है। तो जब तक आपका चार्ट नेगेटिव ना स्टार्ट हो तब तक आपको कुछ नहीं करना, मतलब उस पोजीशन में आप रह सकते हो। और ये क्या है कि मैंने वन आवर्स के चार्ट पे आपको बताया, आप वन डे के चार्ट पे या किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स पे आप इसे देख सकते हो। अगर आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे ये इंडिकेटर, तो आप इसे यूज कर सकते हो। मेन बात, अगर कोई इंडिकेटर आप सिंगल इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो उसमें फॉल्स सिग्नल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता, कौन सा इंडिकेटर किसके साथ अच्छा वर्क करता है वो सब कुछ नहीं पता, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम और इंडिकेटर के बारे में पहले तो आपको बताएंगे, पहले तो आपको इंडिकेटर को समझना पड़ेगा, बाद में स्ट्रेटेजी को समझोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंडिकेटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और दो इंडिकेटर कॉम्बाइन करके आप कुछ भी बाय या सेल कर रहे हो। तो पहले इंडिकेटर के बारे में समझो, उस पर देखो कैसे वर्क करता है, बाद में आप किसी स्ट्रेटेजी पे जाओ। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहला एक इंडिकेटर का पार्ट लाएंगे, बाद में स्ट्रेटेजी का पार्ट लाएंगे, बाद में प्राइस एक्शन लगेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सीख पाओ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।